तो गाइस अभी जो मैंने अपना माइक सेटअप कर लिया है कुछ इस तरह गले में दिख रहा हुआ ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, और ये हमारा नया इंट्रो। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:09:55। तो आज मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली है, बाहर जो है थोड़ा कोहरा था, और अब जो कि सब कुछ साफ हो चुका है। तो हमारे साथ हैं आयुषी, आयुषी करके दिखा दो, कर जल्दी, टॉफी लाना, नमकीन लाना, नमकीन लाना, जल्दी कर, जल्दी ऐसे कर दो, ऐसे जल्दी कर, जल्दी कर दो, कर दो, फिर दुकान चले, दुकान दुकान चले, ठीक है, ठीक, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, ऐसे कर दो, कर दे कर दे कर दे, टॉफी नहीं दे अब तुम्हें, नहीं कर रही तुम, टॉफी नहीं देता मैं। तो अभी जो है धूप निकल आई है, बाहर बढ़िया एकदम, फिलहाल चलते हैं भाई चाय पीते हैं, फिर आज जाना है गांव। लेकिन गांव जाने से पहले हमारे पास से एक पार्सल जिसकी अनबॉक्सिंग अभी तो करना चाह रहे थे, लेकिन अभी जो है अभी अभी हाल गांव निकलना है, तो उस वजह से अनबॉक्सिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। A few moments later. तो फिलहाल अभी सोचा है कि सेटअप कर ही रहे हैं, गांव जाने ही है, तो उसको सेटअप करके ही जाएंगे गांव। तो क्यों सोचा बाद में आके क्यों करें भाई, अभी कर लेते। तो हमारे पास क्या है भाई, दिखाते हैं, हमारे पास है भाई ये, हाँ पहले बिल पढ़ते हैं क्या है, एक्शन प्रो का फ़ोन होल्डर चेन माउंट सेट फॉर फोन, क्योंकि अभी हम लोग भी मोटो व्लॉगिंग करेंगे भाई। नहीं, मैं नहीं मानता। तो देखते हैं भाई क्या क्या है ये जो मैंने मंगाया, एक्शन प्रो का मंगाया तुमने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखते हैं भाई क्या क्या है। तो पहले मैं है ये रबर स्ट्रिप जो कि हमारे हेलमेट पे लगेगी, और ये है इसको पता नहीं क्या कहते हैं भाई, इसको सी में लगाएंगे। ये दो पार्ट्स हैं, और दूसरे में है भाई हमारे पास ये फोन, क्या कहते हैं, होल्ड शू माउंट फोन को होल्ड करने के लिए, और ये बोल्ट नट बोल्ट है इसमें कुछ वगैरह वगैरह। तो चलो इसको भाई सेटअप करते हैं अपने फ़ोन में। पहले से भाई एक बार पहले हमने सेटअप कर लिया था, उसको देख लिया था भाई कैसे सेटअप होता है, फिर उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए इसको जल्दी से सेटअप करते हैं, बहुत एक्साइटेड। तो चलो जल्दी से सेटअप करते हैं। इसको किस तरह लगाना है, पहले ये है जो ये दिख रहा होगा भाई सब, इसको इसमें फंसाना है, तो ये फंसेगा कुछ इस तरह से, अभी दिखाते हैं वो, एक साइड से दब जाती है ऐसे, तो ये फंस जाएगा यहाँ पे, निकलने का कोई चांस नहीं है भाई। तो इसको दबाते हैं और फंसाते हैं भाई, तो ये फंस चुका है देखिए आप यहाँ पे, ये कुछ इस तरह, तो निकलने का कोई चांस नहीं है, दबाएंगे तभी निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा, अभी नहीं लगाना, रुक जाओ, उतार रही ना। तो चलो पहले इसको इसमें फंसा लेते हैं अपने हेलमेट में, यहाँ पे जो एयरबैंड्स होते हैं, अब एयरबैंड्स कहते हैं भाई, एक्चुअल वर्ड याद नहीं आ रहा, शायद यही कहते होंगे। तो इसको यहाँ पर फंसाना है कुछ इस तरह से, ये जो स्ट्रिप दिख रहे हैं इनकी मदद, एक को लगाएंगे इस तरफ, एक को लगाएंगे इस तरफ, तो ये कुछ इस तरह फंस जाएगा, अभी दिखाते हैं भाई हम लोग जल्दी। तो ये इसमें लॉक्स हैं, इसमें रबर बैंड स्ट्रिप हैं जी इस तरह से, तो यहाँ पे ये फंस जाएगा, आ देते हो तो काफ़ी टाइम जो हल्ले हुए चांसेस नहीं है भाई, काफ़ी कस कस, रुक जाओ दो मिनट, जान दो जल्दी है। तो जो है अभी हमने अपना चिन माउंट और जे होल्ड, जे हुक, इसको जे हुक कहते हैं, तो अभी लगा है ये दिख रहा है आपको टेढ़ा सा रमतुला, इसको जे हुक कहते हैं, तो अभी हमने जे हुक अपना सेटअप कर लिया है। अभी हमको क्या क्या लगाना है इसमें, तो अभी हमको इसमें ये लगाना है ट्राइपॉड अडैप्टर, तो अभी इसको सेटअप करते हैं। और अपना स्क्रू कहाँ है, जैसे दबर स्क्रू,
एंड वी होल्ड दिस ट्राइपॉड एडाप्टर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। ऐसा मेरे भैया, तो अभी भाई ब्लॉगिंग करने का मजा जो है 100x होने वाला है। चल झूठा, वो तो भाई देखकर ही पता चलेगा भाई कैसा बनता है। तो फोन के साथ मोटो ब्लॉगिंग भाई सब। ओम दुर्राटे गाड़ देंगे भाई साहब। तो अभी जो है अपना कर चुका है ये रियू के साथ अपना ट्राइपॉड अडाप्टर। राइट क्या कर रहा है, उल्टी तरफ से लगा उल्टी। थैंक्स थैंक्स टेढ़ा होगा भैया, वो टेढ़ा सही में होगा। तो जो है अपना इसमें अभी ट्राइपॉड अडाप्टर अभी सेट हो गया। अभी आप बारी है भाई अपने कोल्ड शो माउंट की, कोल्ड होल्डर की। तो अभी इसको लगाते हैं। तो जो है अभी अपना इसमें कस चुका है ये फोल्ड होल्डर। तो अभी आप अपने अकॉर्डिंग पर नीचे कर सकते, फिर स्क्रू को और टाइट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने लगा के देखा था तो ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। अभी फिलहाल आपको लगा कर दिखा देते हैं। मम्मी दूसरे फ़ोन पे बात कर रही हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं फिर उसके बाद दिखाएंगे। तो अभी जो है कुछ इस तरह आएगा ये, थोड़ा सा ही आप अनोइंग थोड़ा सा एडिटिंग लगेगा अभी शुरू शुरू में अगर आप यूज़ करेंगे तो। मेरे को लग रहा है तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी स्क्रीन दिखेगी ना क्योंकि चेहरे पर, तो सही भी है थोड़ा सी स्क्रीन भी दिखेगी तो आपको भी पता चलेगा क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है आपके फ़ोन में क्या नहीं हो रहा। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पे स्क्रीन ना दिखे, फ़ोन आपको ना दिखे, तो आप इसको कुछ तरह नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं ना भाई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यूज़ करते हैं अगर आप यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं भाई मोटो ब्लॉगिंग करने की तो ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है। जो ये प्रोडक्ट है भाई एक्शन प्रो का है, और ये जो मैंने लिया है भाई अमेजोन से लिया है। ये मुझे 800 रुपये का पड़ा है, 799। तो अभी इसके जो प्राइस है वो कम हो चुके हैं, 699 हो चुके हैं, 700 रुपये। तो अभी मैं इसको जो है फिर से रिटर्न करूँगा और फिर से ऑर्डर करूँगा क्योंकि 100 रुपये बच जाएंगे आपको। तो फिलहाल अभी 7 दिन तक अभी रगड़ के यूज़ करने वाले हैं इसको और मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। तो अभी गाँव जा रहे हैं तो गाँव के जो व्यूज़ हैं वो अभी रिकॉर्ड करने को देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ऐसा होता है कहीं भी जाओ यार तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, गाड़ी चलाएंगे भाई रिकॉर्ड करें। तो ये काफ़ी सही सेटअप है। और इसी बारे जैसे मार्केट वार्केट जा रहे हैं तो भाई अब मार्केट के भी सीन्स कवर कर सकते हैं भाई साहब। और इसी बहाने भाई साहब मार्केट में भी हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा, ये भी कहीं सही बात है। तो इसके आप से हम काफ़ी सारे जगह कवर कर सकते हैं भाई साहब गाड़ी से, क्योंकि अभी जो है कोई साथ में मिलता है नहीं मिलता है, तो भाई करना तो खुद अकेले ही है। अभी ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से अभी हम काफ़ी सारी जगह अकेले भी कवर कर सकते हैं, गाड़ी भी बना सकते। तो फिलहाल चलते हैं और फ़ोन लेकर आते हैं। बोलू फ़ोन ले आओ। तो जो है अभी हमको अपना फ़ोन मिल चुका है पुराना वाला, तो अभी आप सेटअप करके दिखाते हैं। तो जो अभी हमने इसको खोल लिया भाई, स्क्रू को ढीला कर लिया, तो काफ़ी सही है भाई साहब। स्प्रिंग वाला नहीं है, स्प्रिंग वाला चाहिए भी नहीं था मेरे। तो अभी इसको सेटअप करते हैं भाई, लग गए भाई साहब, ये कुछ इस तरह लग चुका है। तो अभी आप रुक जाओ 2 मिनट, बैठे रहो, तो ऊपर ही कस रहे, हम ही कस रहे। तो अभी इसको टाइट करते हैं। तो इसमें भाई अपना फ़ोन भी लग जाएगा, और जिसके पास GoPro है भाई तो वो GoPro भी यूज़ कर सकता है, कोई एक्शन कैमरा है जिसके पास। हमारे पास तो कुछ नहीं है, फ़ोन है एक अपना जिससे ये वीडियो बन रहा है, और ये तो अपना पुराना वाला फ़ोन है। तो फंस चुका वैसा गिरने का कोई चांस नहीं है। अभी थोड़ा सा ढीला हो रहा है यहाँ पर, उसके यहाँ पर थोड़ा सा और टाइट करेंगे अपना चिन माउंट, उसकी वजह से जो है अपना हिले ना बिल्कुल भी। कोई हिल नहीं रहा, कभी लगा के दिखाते भाई। टन टन न न न न, तो ये थोड़ा सा देखिए इसकी रेंज जो है मुंह के सामने आ रही है हल्की, तो
तो ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसको थोड़ा सा जो है अभी स्क्रीन दिखती रहेगी, और जो है इसको आप नीचे भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो अभी देखते भाई, रिकॉर्ड करके देखते भाई कितना कुछ कुछ रिकॉर्ड होता है। तो गाइज अभी जो मैंने अपना माइक सेटअप कर लिया है कुछ इस तरह, गले में दिख रहा हो ये, तो मेरे पास अभी जो है JBL का माइक है, क्योंकि अभी जो मेरी एक ईयरफोन है वो झांसी में पड़ी है, तो अभी जो मेरे पास है करंट में, उसमें जो है आवाज़ अभी सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, आवाज़ जो है गड़बड़ रिकॉर्ड होती, तो अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अब जब मैं झांसी जाऊँगा तो फिर वो वाली ईयरफोन लगाऊँगा, फिर उसको यूज़ करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल माइक से ही काम चला रहा हूँ, तो अभी भाई लगा लिया है, तो अभी देखते हो इसमें कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाकी जो फाइनल आउटपुट जो है गाड़ी पे पता चलेगा कैसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, विंडोज कितनी आती है और कितनी स्टेबिलिटी रहती है। हाँ बंद कर दी, बाहर खुदाई चल रही है। हाँ कर दी दो लग गई। तो बाहर मम्मी खड़ी है, आंटी और गोलू और आयुषी। तो अभी जो आवाज़ पता नहीं कैसी रिकॉर्ड हो रही होगी इसमें, तो अभी फ़िलहाल गाँव चलते हैं, फिर देखते हुए कैसी रिकॉर्ड होती है, विंड नॉइस कितना आता है। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं घर से, और अभी जो है घर के सामने रास्ता वो काफ़ी ख़राब है, तो यहाँ पे अपनी भाई स्टेबिलिटी चेक हो जाएगी भाई साहब, फोन कितना स्टेबल रहता है और भाई साहब कितनी जो मजबूत पकड़ है इसकी, पकड़ जो कितनी मजबूत है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिलहाल उतारते अपनी गाड़ी को धम से नीचे आराम से ये। और भाई साहब जो यहाँ पर रास्ता काफ़ी ख़राब है, आगे देखने को मिलेगी अभी। तो सो भाई चलो स्टार्ट द गाड़ी। ठंडा व्यू तो ठीक आ रहा है भाई, हमारे हिसाब से दिख रहा स्क्रीन में दिख रहा है। तो चलिए चलो चल 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 भैया। तो भाई अभी देखते भाई विंडोज कितनी आ रही है और मेरी आवाज़ कितनी साफ आ रही है, तो यही वही चेक करना है। देखो भाई सब सारी इंटरलॉकिंग जो खड़ी पड़ी है, स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम आ रही है यहाँ पे। तो और जो रास्ता है भाई सब काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, इसे काफ़ी सावधानी के साथ निकलना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो नज़र जो है स्क्रीन पर नहीं, नज़र जो सड़क पर है मेरी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। और फिलहाल अभी ख़राब रास्ते से निकल चुके हैं, अभी थोड़ा सा और बचा है ख़राब रास्ता। अभी यहाँ पे जो पाइपलाइन डली नहीं है, जो अभी तो सड़क खुद चुकी है खाली, तो पाइपलाइन डली बाकी है। तो अभी जो पाइपलाइन डलेगी जब तक, तो और भाई से मिट्टी खोदेगी तो और ज़्यादा रास्ता ख़राब होने वाला है यहाँ पे। आने वाले दिनों में हमें जो है काफ़ी मुसीबतों का सामना करने को मिल सकता है यहाँ पे ख़राब सड़क की वजह से। पूरी भाई सब सड़क ख़राब पड़ी है यहाँ पे। ये गेस्ट हाउस है एक, राम राजा पैलेस का पिछवाड़ा पीछे फिर दो पार्ट बना दिए यहाँ पे जो है। अभी पहले तो पेट्रोल डलाना है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और ये है वैसे लिटल एंजल स्कूल, तो यहाँ पे ऑडिटोरियम हुआ करता था लॉकडाउन के समय में, इन्होंने जो है इसको बाथफेयर बना दिया भाई सब टाइल्स वगैरह। तो ये लिटल एंजल स्कूल है, यहाँ पे वो लोग पढ़ते थे पहले, अभी नहीं। तो अभी जो है हम अपनी सड़क पर आ चुके हैं। और भाई साहब आई होप विंड नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रही हो तो ही सही रहेगा, बाकी मैं आगे चल के चेक करूँगा भाई विंड नॉइज़ कितनी आ रही है। और अभी हम आ चुके हैं अपने मेन रोड पर। तो अभी जो है काफ़ी सारे व्यूज़ दिए हैं राम राजा पैलेस, फिलहाल चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वैसे धूल लकड़ काफ़ी आ रहा है, तो गिलास लगा लेते हैं अपने चेहरे पे, अटैक दूंगा। गिलास जो है पूरा नहीं लग रहा है, चिन माउंट की वजह से थोड़ी सी ओपनिंग है, तो थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पर प्लाट बिकाऊ चल रहे हैं, और अपनी गाड़ी का मीटर तो है एज यूजल ख़राब पड़ा है, तो नो स्पीड होम मीटर इज वर्किंग। बाकी जो व्यू है भाई साहब आई काफ़ी सही आ रहा होगा, स्टेबल होगा, और विंड नॉइज़ आई होप कम ही आ रहा होगा। भाई माइक कहाँ है ना, माइक सेफ है ना, पूरी सेल लगा ले रहे चलो भाई, जिससे जो है विंड अपने माइक तक ना पहुँच पाए और जो मेरी आवाज़ है वो क्लियर पहुँचती जाए। ये वहाँ से विद्या उनका निकल चुका है दिखा नहीं पाए,
तो यार नहीं लौटते वक्त दिखाएंगे। अरे यार मम्मी की कॉल आ गई, तो गाड़ी रोक के बात करते हो यहाँ पर। तो मम्मी जी से बात हो चुकी है, तो अभी फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते भैया। तो ये है हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर, और यहाँ पे भाई सैयद अली की दरगाह दिख रही है, सामने इस पेड़ की वजह से नहीं दिख रही, आगे दिख रही। ओहो ये देखिए धर्राएं काट रही है, ओम थो ले भैया ओम थो। और ये है बीकेडी एल्ड्रिच स्कूल, हमारे स्कूल का पड़ोसी स्कूल। तो अभी हम अपना भी स्कूल दिखाएंगे। ये आ गया है अपना भाई स्कूल, रामश्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिख रहा हो भाई साहब। ये है भाई साहब, काफ़ी सही रिकॉर्ड हो रहा था, स्क्रीन में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है सब, बस अपना जहाँ देखना है उस तरफ अपना मुंह कर लो, कैमरा खुद ब खुद जो है सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, जो भी आप देख रहे हैं, आई मीन टू से जो भी मैं देख रहा हूँ भाई। तो अभी चलते भाई यहाँ पर, क्या हुई शादी संगण हुई थे कभी है क्या? चलो पेट्रोल पम्प भराते हैं, सॉरी पेट्रोल पम्प से पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल थोड़ी भराएंगे, पेट्रोल भराएंगे अपने गाड़ी का। 120 कर दो सर, 120 अभी तो 120 करा रहे, अपना भी टाइम आएगा जब टंकी फुल कराएंगे। हेलो